जी सर, मैं लक्ष्मीनगर से हूँ, जमुनापार से। मेरी मिसेस को हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो मैं इनको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गया, शांति मुकुंद हॉस्पिटल का नाम है। मैं लेना भी चाहूँगा ताकि वो लोगों को भी पता लगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले कैसे लोगों से अर्न करते हैं और कैसे उनका मिस यूज़ कर लेते हैं पैसे का भी और उनकी इमोशंस का। तो मैंने वहाँ उनको एडमिट करा, उन्होंने एंजियोग्राफी वगैरह करी। तब तक तो ये बात है कि स्टेंट डलेंगे, मैं आई एग्रीड कि स्टेंट डलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन उन्होंने बोला कि ब्लॉकेज 99 है, 90 है, किसी में 100 भी है, तो सी इज़ वेरी क्रिटिकल और ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ओपन हार्ट सर्जरी होंगे, मैं थोड़ा हॉपलेस हुआ। फिर मैंने अपने रिलेटिव से और अपने जानकारों से सजेशन लिया कि भाई ओपन हार्ट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। मैं उन्होंने बोला कि एक बार दूसरा कोई ऑप्शन देख लीजिए। तो मैं घर पे ऐसे ही टेंशन में था, रात को देखते देखते नेट पे सर्च कर रहा था, सडनली साल वालों का मुझे पता चला। तो डॉक्टर बिमल जी की मेरे को 1 घंटे की वीडियो मिली जो उदयपुर में इन्होंने डिबेट करी थी, उसको मैंने देखा और सुना। और फिर मैंने अपनी सिस्टर को और अपने ब्रदर इन लॉ को पेरेंट्स को दिखाया, तो उन्होंने बोला बेटा ओपन हार्ट सर्जरी से बेटर है, तो एक बार ये ट्रीटमेंट ले ले। और हमें ये ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि इसमें कोई भी बॉडी को हार्म नहीं कर रहे हैं और इस चक्कर में। तो फिर हॉस्पिटल वालों को मेरे को इतना, जब मैंने बोला कि सर आप मेरे को छुट्टी दे दीजिए, वो लोग इतना मेरे को होपलेस कर दिया कि आपकी मिसेज नहीं बच पाएगी, आपकी बेटी स्पेशल है और आपकी फैमिली टूट जाएगी और आप इस चेयर से व्हील चेयर से भी जाओगे, हो सकता है व्हील चेयर पे कुछ हो जाए, ये हो जाए। उन्होंने मेरे को इसी टाइम में मतलब 10-11 बजे मैंने बोला कि मेरे को छुट्टी दे दो, फिर भी वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने मेरे को बोला कि आप डॉक्टर सर्जन से मिल लीजिए और वो एक बार कर सकते। इतना होने के बाद भी उन्होंने मुझे सर्जन से मिलवाया, उन्होंने मेरा बहुत ब्रेन वॉश करा, सब चीज़ करी मेरे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं एग्री नहीं था। और फिर मेरी मिसेज ने भी विल पावर स्ट्रॉन्ग करी कि नहीं मेरे को ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करानी है। फिर मैं सडनली मैंने अपने ब्रदर-इन-लॉ को जब मैं 25th को मैंने वहाँ से डिस्चार्ज कराया, 25th को ही मैं साउथ सेंटर अपने ब्रदर-इन-लॉ को भेजा। उन्होंने वहाँ डॉक्टर अमजद करके हैं पृथ्वीराज सेंटर में, उन्होंने वहाँ से मीटिंग करी, सब करा, वो इतना सेटिस्फाई हुआ तो कह रहा है कि जी आप सब काम छोड़ के वहीं पे जाओ और अपने बाबा जी और गुरु जी जो भी आप विश्वास करते हो वहां से करो। और वह डेफिनेटली कि वहां से बहुत आराम मिलेगा क्योंकि उसने वहां पे जो और पेशेंट्स रहते थे उनसे भी पूछा कि भाई मेरी सिस्टर वहां पे है, तो उन्होंने अपना बताया कि हाँ जी हम बेयर 20 डेज हो गए, ये हो गया है, 30 डेज हो गए, वॉकिंग में इम्प्रूवमेंट है, ब्रीथिंग में भी इम्प्रूवमेंट है, सब चीजों में। तो लगा फिर मैंने तुरंत ही 26 को लिया और सर आई थिंक मैंने 1st या 2nd फेब को ट्रीटमेंट इनका चालू करा दिया और आज ट्रीटमेंट खत्म हुए, ऑलमोस्ट महीना हो गया है। मैंने अभी सीटी एंजियोग्राफी कराई है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है और इसको मैं देखता हूँ जो ये नहीं कर पाती थी अब वो काम भी कर लेती है। तो 4th फ्लोर से अप एंड डाउन कर लेती है डेली, सुबह शाम 30 मिनट का वॉक करती है और पूरे घर का काम इवनली मेड भी हटा दी, कह रही नहीं मेड भी हटा दूंगी मैं सब काम अपने आप कर सकती हूँ, मेरे में इतनी इंप्रूवमेंट आ गई है। और ये सब जो भी हुआ ना, मैं तो बिमल झा जी को डॉक्टर क्या, मैं तो भगवान का रूप मानता हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार को बचा लिया। और मैं तो और भी अपने जानकारों को सजेशन दिया है कि आप भाई वहां जाओ, एलोपैथिक से बचो, शरीर के चीरा फाड़ी से बचो, कुछ नहीं है चीरा फाड़ी में, शरीर एक जगह से कटता है दूसरी जगह से लॉस होता है। तो मेरे को तो बेटर है कि जितना भी नेचुरल थेरेपी से हो जाए सब हो जाए, और बाकी ऊपर वाला जानता है कि मेरे को कितनी इम्प्रूवमेंट मेरी फैमिली में और मेरी मिसेज में लगी है, वो बहुत अच्छा है। और बीमार डॉक्टर जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इतने सेंटर और खोले हैं और ताकि लोगों में और ज्यादा से ज्यादा उनको नियर अबाउट के सेंटर में मिल पाए और फैसिलिटी मिल पाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीमार झा जी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा ही क्या बोलेंगे, मतलब भगवान का रूप है और कुछ नहीं।